दोस्तों आपने इतने क्वेश्चन पूछे हैं ना मस्त वाले, मैंने आपको सबका आंसर दिया है। पार्ट वन मैं कर चुका हूँ वीडियो का, ये पार्ट टू है। दिल थाम के बैठ जाओ, क्या लेने क्या नहीं लेना, सेल में क्या आएगा, किस प्राइस पे आएगा, सब बताया है। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर ऑल ग्रेट वीडियो, थैंक यू सो मच, वेरी हेल्पफुल। क्वेश्चन आपका ये है कि डू यू थिंक देयर विल बी एनी प्राइस ड्रॉप ऑन दी आईपैड 10 जनरेशन बीबीडे सेल। जी हाँ, जो आईपैड के प्रोडक्ट रहते हैं वहाँ भी अलग से ऑफर आते हैं बीबीडे सेल के टाइम पे। लास्ट टाइम लैपटॉप जो प्रो वेरिएंट है वो कुछ लोगों को बहुत सस्ता मिल गया था, तगड़ा डिस्काउंट लगा था उसके ऊपर। इस बार भी अच्छे ऑफर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लैपटॉप पे, टैबलेट्स पे या आईफोन्स पे। अंडर 25,000 कैमरा फ़ोन कौन सा लूँ, रियलमी GT2, रियलमी GT न्यू 3T, रियलमी 11 प्रो और नोट C3 5G। देखो मैंने इस टाइम पे टेस्ट किया नोट C3 5G, कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी फोटोज़ कैप्चर करता है, यहाँ पर वीडियो क्वालिटी भी अच्छी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपेरिजन किया हुआ मैंने, वो आप चेक करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा। सर एक्सिनोस 1280 या 1380 एक साल बाद हैंग करने करेगा क्या? मुझे सैमसंग फ़ोन लेना है एटलीस्ट 3 साल यूज़ करने के लिए। 25,000 गलेक्सी A53 लेने की सोच रहा हूँ, A34 नोच है इसलिए नहीं ले रहा। देखो फिलहाल अगर मैं देखता हूँ ना, जो बेस्ट फ़ोन है ना इस टाइम पे सैमसंग का 20-25 में, वो A34 ही है। नोच की दिक्कत है लेकिन यूज़ करने में, बैटरी बैकअप में, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत बढ़िया ये परफॉर्म करते हैं स्मार्टफोन, और हैंग वाली भी दिक्कत नहीं आएगी आपको लॉन्ग टर्म यूज़ में। लेकिन अब जैसे कि आप कह रहे हैं 1280 या 1380, यहाँ पर सैमसंग F54 आप देख सकते हैं, या तो वो भी लेटेस्ट फ़ोन है, वो भी आप बाय कर सकते हैं, वहाँ पर नोच भी नहीं है, पंचोल डिस्प्ले है। मुझे पर्सनली A34 ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है। सैमसंग S22 अल्ट्रा 55,000 में मिल रहा है, क्या लेना चाहिए या नहीं? जी हाँ, बढ़िया डील है, उठा सकते हैं आप। 55,000 तो बहुत बढ़िया प्राइस है उसका। बाकी आप देख लो कि अगर यूज़ किया हुआ है या कैसा है, न्यू है, और यूज़ किया हुआ तो कितना यूज़ किया हुआ है वो चीज़ चेक कर लेना, प्राइस तगड़ा है, ले सकते हैं। सैमसंग A73 प्राइस बीबीडी सेल में कितना होगा? प्राइस तो चाहे इसका हो जाएगा 25 तक भी हो सकता है, पर मैं आपको फिलहाल कह रहा हूँ कि मज़ा नहीं आएगा यार। अगर 25 तक आ गया फिर भी एक बार को आप सोच सकते हैं, इससे ऊपर तो सोचना भी मत। अच्छा कैमरा और एवरेज गेमिंग के लिए 30 मिनट तक आप गेमिंग करते हैं S20 FE 5G को लेकर? देखो जो आपके क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ ना, S20 FE 5G में हीटिंग है तभी आप सोच रहे हैं A73 बाय करने की। आप ये मत सोचो A73 में आप गेमिंग अच्छी कर पाएंगे, उतना स्ट्रॉन्ग ये फ़ोन नहीं है इस टाइम पे, पहले था जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था, बट अब मैंने यूज़ किया इस फ़ोन को, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर नहीं मिलती है, तो भी आप इसको भूल जाओ। हाँ S21 FE 5G जो है ना, वहाँ पर बैटरी ड्रेन इशू तो थोड़ा है आजकल आ रहा है, और हो क्या रहा है ना, आपको दिन में ये फ़ोन 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो ये फ़ोन आप बाय कर लो, बहुत बढ़िया है गेमिंग के साथ। हाँ नॉर्मल यूजेज है आपका, बिल्कुल भी ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं है, लाइट यूज़ है, तब आप इसमें एक बार चार्ज करेंगे ना तो भी चल जाएगा। अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए आपको, 40-45 में अच्छा एंड्रॉयड लेना चाहिए या बजट बढ़ाकर 60K में आईफोन? यार बजट बढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, बीबीडी डे का वेट कर लो, कम प्राइस पे आपको आईफोन मिल जाएगा, आईफोन 13 आप बाय कर पाएंगे 40,000 के आसपास की रेंज में। अब आप खुद सोचो, अगर आप जल्दबाजी में भी फ़ोन ले लोगे तो आपको उतना अच्छा एंड्रॉयड नहीं मिलेगा जितना बढ़िया आपको आईफोन मिल जाएगा 1 महीना वेट करके, सितंबर में सेल आने वाली है। आईफोन 12 वर्सेस आईफोन 13, यहाँ भी वही सेम बात वैलिड है, आईफोन 13 बेटर ऑप्शन है, कोई भी डाउट नहीं है इसमें, और यहाँ पर 128 GB की स्टार्टिंग वेरियंट आपको मिल जाएगा, और आपको ये फ़ोन 40,000 का मिलने वाला है, और आईफोन 12 मिलेगा 30-35,000 के आसपास की रेंज में 64 GB वाला। तो आईफोन 13 मेरे अकॉर्डिंग न्यू लेना, थोड़ा वेट करो, लेकिन आईफोन लेने का जो बेस्ट टाइम है वो ही रहता है, मैंने कहा ना आपको, बिग बिलियन डेज या ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। क्या इन्फिनिक्स GT10 Pro अंडर 20 के ऑलराउंडर पैकेज की तरह? जी हाँ काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए ये फ़ोन टेस्ट करके आपको और इसके बारे में अच्छे से बताऊँगा। रेडमी 12 5G या IQ Z6 Lite, Vivo T2X कौन सा बेस्ट होगा? रेडमी 12 5G मुझे इस टाइम पे सही पैकेज दिख रहा है, उस रेंज में आप इसको उठा लो, दिक्कत नहीं होगी। सैमसंग F14 कैसा है? बढ़िया फ़ोन है, 11,990 में मिल जाता है, फ्लिपकार्ट में आप चेक करेंगे तो लॉन्ग टर्म यूज़ में सही रहेगा, 6000 mAh बैटरी है, डिस्प्ले क्वालिटी भी ठीक है प्राइस के हिसाब से, कैमरा क्वालिटी भी बढ़िया है। सर क्या अभी के टाइम पे रियलमी GT2 फ़ोन को ले सकते हैं? प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। जी हाँ ले सकते हो यार, 25 के अंदर मिल जाता है, और उस रेंज में प्रोसेसर वगैरह तगड़ा मिल रहा है आपको, कैमरा वगैरह भी प्राइस के हिसाब से अच्छा है, कोई टेंशन नहीं है। सर अनुज भैया नथिंग फ़ोन 1 अंडर 20 के मिलेगा क्या सितंबर सेल में? थोड़ा मुश्किल है यार, तो
20 के तो बहुत कम प्राइस हो गया, 25 तक आने का चांस है। 1500-1600 में बेस्ट टैबलेट मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए। देखो अभी एक तो शोमी का पैड आया था, वो भी बढ़िया था, वो 15 के अंदर था टैब, वो भी आप ले सकते हैं। ओनर का भी टैब आता है, वो भी बढ़िया है, इस रेंज में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर किसी फ़ोन में ईसिम का ऑप्शन है तो क्या उस स्लॉट में हम एचडी कार्ड चला सकते हैं? खतरनाक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं हो सकता यार। यदि वनप्लस नोट सी 3 और आईकोनियो 7 में से कौन सा लूँ गेमिंग और कैमरा के लिए, ये तो कोई बात ही नहीं है। डायमेंसिटी 8200 को बीट करना आसान नहीं होगा, तो आईकोनियो 7 मेरी तरफ से रिकमेंडेड है गेमिंग के लिए। सर रेडमी 12 5G और रियलमी C55 बिना टेंशन के, रेडमी 12 5G कैमरा वगैरह अभी इसका सही आपको मिलता है, लेटेस्ट फ़ोन है, बढ़िया है और प्राइस भी बढ़िया है। रेडमी 12 5G लेना चाहिए या रहेगा, या स्मार्टफोन का प्रोसेसर HD 4Gen 2 कितना स्ट्रॉन्ग है, नेटवर्क कनेक्टिविटी कितनी स्टेबल है? देखो इसको मैं टेस्ट करके आपको लॉन्ग टर्म यूज़ में बताऊंगा वैसे तो, बट मैंने जितना देखा है ना अभी, मुझे ये फ़ोन प्राइस के हिसाब से सही लग रहा है, प्रोसेसर भी ठीक है। अब ये मत सोचना 4Gen 2 है तो बहुत, मतलब नाम को देखकर ये मत सोचना कि आपको कोई ऐसा प्रोसेसर मिल गया जो 15 से ऊपर होना चाहिए था। नाम ये है, बट आजकल नाम से कितना कन्फ्यूज किया जाता है ये आपको पता है। स्नैपड्रैगन ने भी ऐसे किया, मीडियाटेक भी ऐसे ही करता आ रहा है। जो इनकी सीरीज आई है ना 8020 या फिर 7050, ये सही पुराने प्रोसेसर है जो नए नाम से बेचे जा रहे हैं। रियलमी GT 2 और OnePlus Nord CE 3 और आईकू Z7 Pro, Z7 Pro का एक बार वेट कर लो, देखते हैं वहाँ पर वो कहाँ स्टैंड करता है। फोन प्रोसेसर सबसे तगड़ा यहाँ पर Z7 Pro में भी है और GT 2 में भी है। नोट C3 में 782G है, तो कि ठीक है, बुरा मैं नहीं कहूँगा इसको, प्राइस के हिसाब से बहुत बढ़िया है ये भी। नंबर 1 पे GT 2, 2 पे Z7 Pro, 3rd पे CE 3। सर क्या रेडमी नोट 12 प्रो 19000 में लेना ठीक होगा? यार आपको फादर के लिए फ़ोन लेना है, देखो मुझे यार सही नहीं लग रहा, आज की डेट में आप ये फ़ोन बाय मत करो, इससे बढ़िया है नार्जो 60 प्रो कर लो, या फिर आपको इस रेंज में पोको X5 प्रो भी मिल जाता है, वो भी आप बाय कर सकते हैं, वो भी अच्छा फ़ोन है, इसको भूल जाओ। लावागनी 2 भी एक अच्छा पैकेज रहेगा। बेस्ट फोन फॉर मल्टीमीडिया अंडर 30K विद बेस्ट डिस्प्ले, मोटो H40। कल मैंने वीडियो डाली है बेस्ट फोन अंडर 30,000। अब हुआ क्या, बाय मिस्टेक मोटो H40 का पार्ट उसमें से रिमूव हो गया, वो मैंने चेक नहीं किया, बाद में कमेंट आ रहे थे ये फ़ोन रिकमेंड क्यों नहीं किया। जी हाँ, वो फ़ोन भी 30,000 में पूरी तरह से रिकमेंडेड है, डिस्प्ले क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी, इन एंड फील बढ़िया है फ़ोन का, आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर पोको F5 25,000 में, जी हाँ बढ़िया है, आपको गेमिंग के लिए फ़ोन चाहिए उठा लो, 1 मिलियन तक आते हैं इसके स्कोर्स, और जब आप गेमिंग कर रहे हैं यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसे भी लोग आप किसी फ्लैगशिप फ़ोन में गेमिंग कर रहे हैं, वो भी 50-60,000 के फ़ोन में। आईकोनियो 6 अपकमिंग सेल में अवेलेबल होगा, मुश्किल है यार, उसकी जगह पे फिट किया जाएगा आईकोनियो 7 कम प्राइस पे। प्लीज़ रैंक दी स्मार्टफोन रियर कैमरा फोटोज 27,000 में, आपने यार सभी फ़ोनों के नाम लिख दिए, ऐसे कैसे रैंकिंग दी जाए? क्योंकि क्या है ना, ऑलराउंडर कोई भी नहीं है, कुछ बातें किसकी अच्छी हैं, कुछ बातें किसकी अच्छी हैं, कुछ लोलाइट में अच्छा परफॉर्म करता है, कोई डेलाइट में करता है, किसी की वीडियो अच्छी है, किसी की फोटोज़ अच्छी है, किसी का रियर अच्छा है, किसी का फ्रंट अच्छा है, अगर टॉपिक बढ़िया है कोई वीडियो इसके लिए प्लान करता हूँ मैं आपके लिए। आईकू नियो 6 वर्सेस नियो 7 वर्सेस रेडमी की 50i फॉर गेमिंग, आईकू नियो 7। अगर आपने अभी नोट किया हो, इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, आईकू नियो 7 हर जगह पर अपना किंग बना हुआ है, तो इस बार आईकू ने काम तो बढ़िया किया था। बिग बिलियन डेज में 15,000 में कोई 60 FPS फ़ोन आएगा क्या? सर 15,000 में थोड़ा मुश्किल, आई थिंक आप कहना चाह रहे हैं जहाँ पर आप 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओ 4K 60 FPS पे, ये मुश्किल है 4K में। पोको X7 Pro लेना है, BBT सेल में ये कितने तक मिल जाएगा, और फ़ोन मदरबोर्ड डेट इशू तो नहीं आएगा? देखो ऐसी दिक्कत मैंने नहीं देखी है, पोको X7 Pro सही में एक बहुत अच्छा फ़ोन था, मैंने इसको टेस्ट किया था, तो आप देख सकते हैं फ़ोन, और फिलहाल ये 20 का मिल जाता तो 1000-2000 और कम हो जाएगा इस पर BBT सेल में, ये लगा लो आप। डू यू थिंक अबाउट Asus Zenfone 10 इज़ वर्थ बाइंग? Asus का क्या है ना, फ़ोन अच्छे निकालता है ये, लेकिन जब मार्केट से गायब हो जाता है ना तब बहुत बुरा लगता है, एक फ़ोन निकालेगा काफ़ी टाइम गायब हो जाएगा, अपडेट पर ध्यान नहीं देगा, तो Asus को अपडेट्स को फोकस करना चाहिए। अगर अब इतना महंगा फ़ोन ले रहे हैं और वो सपोर्ट नहीं कर रहा तो ऐसे में दिक्कत आ सकती है, अपडेट से दिक्कत नहीं है आपको, दबाव उठा लो कोई दिक्कत नहीं। सर आईकू Z7 Pro दिवाली सेल में 22-23,000 में मिल जाएगा? देखो यार अभी तो आईकू Z7 Pro का पता ही नहीं है आएगा कितने का, तो हम पहले कैसे बता सकते हैं कितने का मिलेगा, थोड़ा वेट करो। अभी 22,000 में रियलमी GT 2 लेना वर्थ है क्या? स्नैपड्रैगन 888 विद सोनी IMX766 सेंसर, 3 ईयर एंड्रॉइड अपडेट, जी हाँ आप ले सकते हैं, अच्छा फ़ोन है ये। वट इज़ योर थॉट अबाउट Nothing Phone 2 कैमरा?
नथिंग फोन 2 का कैमरा अच्छा है लेकिन 45,000 जितना अच्छा नहीं है। ये अगर फ़ोन होता ना 35,000 तक का तब मैं कहता कैमरा इसका बेस्ट है अपने प्राइस पे। रेडमी नोट 13 में कुछ अपडेट अभी यार इसको लेकर कुछ खबर नहीं आई है, कुछ नहीं। अब शोमी को नया करना पड़ेगा तब वो मार्केट में टिक सकता है। अगर वो वही चीज़ें करता रहा ना उल्टी सीधी तब कुछ नहीं हो सकता। इंडिया के बाहर तो सीवी सीरीज के फ़ोन आ रहे हैं जो बढ़िया बढ़िया है और इंडिया में कुछ भी ढंग का देखने को नहीं मिल रहा। अनुज सर मुझे एक स्मार्टफोन लेना है अंडर 12 के तो कौन सा बेस्ट रहेगा, बिग फैन, थैंक यू सो मच। 2019 से आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। अब आपको अगर फ़ोन लेना है 12,000 के अंदर यार आजकल रेडमी 12 जो आया ना बढ़िया फ़ोन है वो भी ले सकते हैं। सैमसंग का चाहिए तो सैमसंग F14 उठा लो आप। रियलमी नार्जो 60 रिव्यू चाहिए सेल में 15,000 का मिलेगा। देखो रियलमी नार्जो 60 अच्छा पैकेज है, अगर आपको 15-16 का मिल रहा है आप उठा लो। फ्लिपकार्ट इज ऑफरिंग F54 एट 24K, 2000 प्लस एक्सिस बैंक कार्ड ऑफर है, 2000 प्रीपेड बोनस है, एडिशनल 2K एक्सचेंज पे ऑफर है, देन सजेस्ट A34 या F54। देखो F54 में की अपनी कुछ खास बातें हैं, एक तो कैमरा उसका ज़्यादा अच्छा है A34 के कंपेरिजन में, बैटरी वहाँ पर 6000 mAh आपको मिलती है, प्रोसेसर वहाँ पर वो है पुराने वाला है। अगर ये चीज़ मैं देखता हूँ तो A34 मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, पर वैसे अगर आपको कैमरा चाहिए 6000 mAh की बैटरी चाहिए तो 24,000 में ये भी बिल्कुल अपनी जगह अच्छे से बना रहे हैं। वैसे मुझे पर्सनली पूछेंगे ना A34 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोन लगता है। विच फोन इज अ गुड मोटो H40 और OnePlus Nord CE3? देखो दोनों का कंपेरिजन मैंने कर दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो आप चेक कर लेना। इस बार तो मुझे Nord CE3 अच्छा फ़ोन लगा, कहीं ना कहीं इसने किसी डिपार्टमेंट में मोटोरोला को भी हराया है। OnePlus Nord CE3 12256GB 19,500 का बहुत बढ़िया डील मिली है यार आपको, टेंशन मत लो, एक्सचेंज का जो वैल्यू मिली है ना वो भी तगड़ी है आपके फ़ोन के हिसाब से। भैया यू रिकमेंडेड S21 FE वॉन्ट टू स्क्रीन ऑन टाइम, देखो आपको जानना है स्क्रीन ऑन टाइम तो ये 4.5 घंटे के आसपास मिलता है इस फ़ोन में मुझे, मेरे यूजेस के हिसाब से। दिन में आपको 2 बार चार्ज करना पड़ सकता है अगर आपका थोड़ा सा भी हैवी यूज़ है तो, ये एक दिक्कत है। बाकी बिल्कुल ही लाइट यूज़ है आपका ना, बिल्कुल नॉर्मली आपको नेट भी नहीं चलाना है, नॉर्मली यूज़ करना है वो नेट कम चलाना है, तब आपको एक दिन खींच के इसका बैकअप मिल सकता है। अनुज भाई ऑलराउंडर डिसेंट बजट फ़ोन नोट C3 5G या गलेक्सी A34? देखो दोनों ही बढ़िया हैं, A34 आप यूज़ करेंगे ना तब भी आपको यूज़ करके मज़ा आएगा, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस वगैरह ना मुझे बेटर लगी है नोट C3 5G की, तो ये मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। पिक्सल 6 से इन कैमरा अभी यार मज़ा नहीं आएगा यार, कैमरा के लिए क्या करोगे बाकी चीज़ें जब इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तो। चलिए दोस्तों ये थे पार्ट 2 के क्वेश्चंस, पार्ट 1 देखना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है तो वहाँ पर देख लो, जो डाउट्स यहाँ पर क्लियर नहीं हुए हैं वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।